बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग हंटर। आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड, फ्रूट केक कस्टर्ड। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने 1.5 किलो दूध ले लिया, 4 खाने के चम्मच हमने वनीला कस्टर्ड ले लिया। अब हम इसको कस्टर्ड को दूध में ऐड करके 4 चम्मच, तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहले अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के निशान को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़रा से ज़्यादा शेयर करें। हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अच्छी तरह मेल्ट कर दिया, ताकि इसमें कोई गुटी ना रहे। और हमने गर्म दूध भी नहीं लिया ज़्यादा और ठंडा भी नहीं लिया। अब हम चूल्हे पे दूध चढ़ा लेंगे, पतीली 1.5 किलो दूध है, हम इसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे। जैसे ही हम कस्टर्ड ऐड करेंगे, साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे। अगर हम चम्मच नहीं हिलाएंगे, कस्टर्ड सिर्फ ऐड करेंगे, तो फूटियाँ बनेंगी। साथ साथ चम्मच हम हिलाते जाएंगे ताकि फूटियाँ ना बने और अच्छी तरह कस्टर्ड बन जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कस्टर्ड रेडी है। इसको अच्छी तरह हमने पका लेना है। जब किलो दूध रह जाए, तब 1.5 किलो दूध लिया था, लेकिन पका पका के हमने इसको किलो कर लेना है। अब हमने इसमें 1 पाव 150 ग्राम हमने इसमें चीनी ऐड कर दी। अब ये ठंडा हो गया, अब पक गया था अच्छी तरह। अब हमने इसको उतार के ठंडा कर लिया नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, फ्रिज में नहीं रखा। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम 250 ग्राम क्रीम है, 250 मिलीग्राम। एक पाव हमने क्रीम लिया, फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो आप पैकेट की भी ले सकते हैं, लेकिन हमने फ्रेश क्रीम ली है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें। अगर हम गर्म में क्रीम डाल देंगे तो उसका वो मज़ा नहीं आएगा। हमारी क्रीम मिक्स हो गई है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले नीचे फ्रूट केक के स्लाइस की लेयर लगा देंगे। लेयर उसके ऊपर हम फिर एक कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। अच्छी तरह से हम कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर फ्रूट लगा देंगे, फ्रूट की एक लेयर लगा देंगे। मुझे फ्रूट केक में सिर्फ केले और सेब पसंद है, इसलिए मैंने वो ऐड की है। आप चाहें तो आप इसमें मुख्तलिफ फ्रूट ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं, चीकू ऐड कर सकते हैं, पाइन एप्पल ऐड कर सकते हैं आप इसमें, अंगूर ऐड कर सकते हैं, आड़ू ऐड कर सकते हैं आप इसमें। अब फाइनल लुक, हम अब लास्ट में हम इसको बादाम की गिरियों के साथ गार्निश कर लेंगे। ऊपर बादाम की गिरियाँ आप कटी हुई भी और साबुत भी दोनों से। ले हमारा कस्टर्ड रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है। आप घर ट्राई कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए अल्लाह।